हाय गाइस, दिस इज नीश बी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोल्ड फैशन वर्ल्ड। तो आज की वीडियो में हम कृष्णा जी की पगड़ी बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 3 इंच का शीट लिया है। ये जो सॉफ्ट वाली शीट होती है वाली शीट है ये, तो ये 3 इंच की है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच की है। तो ये देखिए, इसका हमें हाफ कर लेना है एकदम सेंटर में। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे राउंड कटिंग के लिए इस तरीके से। तो इसे हमें देखिए पूरे नीचे तक लगा लेना है। अब इसका जो सेंटर हमें देखिए इस तरीके से बनाते हुए राउंड कर लेना है दोनों साइड से। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको दोनों साइड से राउंड शेप में बना लेना है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से दोनों साइड से बराबर हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए, हमने इसे कट कर लिया है। इसे इस तरीके से हम राउंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं किसी ग्लू का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे हम स्टेबलाइजर लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे इसको स्टेबलाइज कर लिया है। तो हमारा जो बेस है पगड़ी का वो बन चुका है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने और भी इसी तरीके से कट करके रखे हैं। इसको भी मैं इसी तरीके से स्टेबलाइज कर लूँगी। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे सबको स्टेबलाइज कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमारा जो ये बनाया हमने बेस, इसको रख के इसी के शेप में राउंड कट कर लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए, हमने यहाँ पे इसको कट कर लिया है। और ये हमने बाकी बेड के लिए भी यहाँ पे इसको कट कर लिया है। कर रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे हम इसको एकदम किनोर पे लगा के अटैच कर देंगे इससे। ये देखिए, इस तरीके से इसको हमें प्रेस कर देना है हल्का सा पुश करके, इसको चिपका देना है। तो ये बाकी को भी हम इसी तरीके से चिपका लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा बेस पूरी तरीके से बन चुका है। अब यहाँ पे हम इसकी स्लिट्स बना लेंगे। हमें जिस कलर की भी पगड़ी बनाना है। तो ये देखिए, ये मैंने 3 इंच का कपड़ा लिया है। इसको डबल फोल्ड करके हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे मैं इसको देखिए पलट लूँगी सिलाई की मदद से। इसका जो कोना है इस तरफ से हमें इसको पलट लेना है जहाँ से हमने सिलाई लगाई है। ये देखिए, हमने इसको पलट लिया है। तो इसी तरीके से हमें इसका भी बना लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं लेस भी यूज़ करूँगी पगड़ी को लपेटने के लिए। ये देखिए, ये रेड कलर की ये भी लेस है, ये गोल्डन कलर की। तो हम लेस से भी पगड़ी बना सकते हैं। अगर आपको स्लिट नहीं बनाना हो तो आप लेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पे इसको रख के फोल्ड कर लेना है नीचे की साइड से। देखिए, तो आपको इसको टाइटली फोल्ड करना है। तो आपको यहाँ पे इसको चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ग्लू या किसी भी चीज़ से। सिर्फ सुई धागे से आप इसको बहुत ही इजीली बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको लपेट लेना है। जैसे हम साफा बांधते हैं उस तरीके से हम इसको यहाँ पे लपेट रहे हैं। ये देखिए, तो ये पूरा कवर हो गया है। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे और इसको देखिए पीछे की साइड से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमने स्टेबलाइज कर दिया है इसको भी। तो ये बाकी के जो हमारे कपड़े हैं उससे भी हम देखिए पगड़ी को ऐसे रोल कर लेंगे, लपेट देंगे साफे की तरह। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे सबको इसी तरीके से बना लिया है। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने देखिए मैरून कलर के दोनों बना लिए हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं इस कपड़े के यूज़ से और लेस से इसकी कलगी बनाना बताऊँगी। ये देखिए, इस तरीके से सबसे पहले हम इसे फोल्ड करके 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं सिल्वर गोटे का यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर गोटा अटैच कर लिया है। यहाँ पर मैं ये लेस ले रही हूँ सिल्वर कलर की। ये समोसा लेस है, इसको हम ऊपर की साइड से लगाएंगे ताकि हमारी कलगी में शेप अच्छा बनेगा। तो देखिए, इस तरीके से हमें
कलगी को देखिए फोल्ड करते जाना है हाथों से प्रेस करते हुए। ये देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड करना है हमें दोनों साइड से। तो ये देखिए हमने इसको प्रेस करके, ये देखिए बहुत ही प्यारी कलगी बनी है ये हमारी। तो सुई धागे से हम इसे फिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसे फिक्स कर दिया है। तो अब हम इसको देखिए इस तरीके से तिरछा रख के यहाँ पे इसको अटैच कर लेंगे सुई धागे से ही। तो ये देखिए हम इसको अटैच कर रहे हैं। आप इसको अगर चिपकाना चाहें तो चिपका भी सकते हैं, बट ये जितना सुई धागे से पक्का बनता है उतना ग्लू गन से नहीं बन पाता है। तो ये जो इसकी साइड का पोर्शन है ये देखिए यहाँ से भी मैं इसको फिक्स कर दूंगी। ये देखिए इस साइड से हमें इसको फिक्स कर लेना है। तो ये देखिए ये पगड़ी का जो कलगी है और बेस पूरा तैयार हो चुका है। तो हम इसका भी कर लेंगे बाकी की पगड़ी का। ये देखिए हमने इसमें भी कलगी बना के अटैच कर ली है। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। आप इस तरह की पगड़ी जन्माष्टमी के लिए ज़रूर बनाएं। इसमें हमने देखिए डबल कलगी लगाई है साइड में भी और ऊपर की साइड भी। बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इसमें भी। ये हमने मेहरून कलर में देखिए इसको नीचे से जोड़ के इसको कलगी को राउंड शेप में बना लिया है। तो एक साइड में ये तिरछे साइड में लगा हुआ है एक पगड़ी में, और एक में हमने इसको फ्रंट साइड पे लगा दिया है। तो अब हम इनकी डेकोरेशन कर लेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए कांच का यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे राउंड कांच को ये देखिए फेविकोल से ही हम इसको यहाँ पे फ्रंट पे अटैच कर देंगे। तो हमारा जो जॉइंट है वो कवर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं ये बॉल चेन ले रही हूँ। तो ये प्लास्टिक वाली बॉल चेन है, काफ़ी इजीली अटैच हो जाती है ये। तो ये देखिए इसकी नोर से हमें तिरछा इसको यहाँ पे अटैच कर लेना है, और साइड से भी दोनों तरफ हम इसकी लेयर बना देंगे। तो ये देखिए हमने इसको यहाँ पे अटैच कर लिया है दोनों साइड से और फ्रंट साइड से भी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सिल्वर स्टोन का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम फ्रंट में इसको लगा देंगे। थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे हमें इसे लगाना है ताकि ये जो हमारी खाली जगह है वो भर जाए सामने की साइड। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे इसको अटैच कर लेना है, स्टोन को अच्छे से लगा लेना है। आप चाहें तो कलगी में भी स्टोन को यूज़ कर सकते हैं। ऊपर की साइड जो हमने कलगी बनाई है आप फ्रिल के ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छा लुक आएगा। हम यहाँ पे सिंपल ही बना रहे हैं। तो ये देखिए हमारी पगड़ी बन चुकी है। तो इसी तरह हम बाकी को भी डेकोरेशन कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसको भी डेकोरेट कर लिया है, ऊपर एक स्टोन लगा लिया है। और ये देखिए इसको हमने देखिए साइड से मोती लगाए हैं, ऊपर स्टोन लगाया है। और ये देखिए यहाँ पे भी हमने साइड में मोती अटैच करे हैं, स्टोन और ऊपर फ्लावर अटैच करा है। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है ये भी। और ये रेड और वाइट कॉम्बिनेशन में यहाँ पे हमने 3 कांच लगा लिए हैं ऊपर, सामने स्टोन लगाए हैं। और यहाँ पे हमने इसमें ग्रीन स्टोन का यूज़ करा है, सामने ये केरी डिज़ाइन लगाई है ग्रीन कलर की ही। ये देखिए तो हमारी सारी पगड़ियाँ बन के रेडी है। ये देखिए बहुत ही प्यारा लुक आया है सभी में। तो आप घर के ही चीज़ों से ये पगड़ी बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आगे आने वाले वीडियो में आप क्या देखना पसंद करेंगे ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मैंने अपने चैनल पे कृष्णा जी की ड्रेस का भी वीडियो डाला है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। झूले का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो और पगड़ी की डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इन माई चैनल। ओके बाय।